नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र राजनीति में से विधानसभा चुनाव का पूरा माहौल चल रहा है और सभी पार्टियां जो है चुनाव के इसमें मशगूल हैं और दही हंडी था कल और वहाँ खूब शक्ति प्रदर्शन हुए, यानी पूरे मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में खूब शक्ति प्रदर्शन हुए। सभी नेता, देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे शिंदे साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, सभी लोग जो है अपने अपने हिसाब से अपने अपने मंडलों पे जो है अपने अपने इलाके में और उसके बाहर भी जो है लोगों को खूब भेंट किए और गोविंदा पथकों को जो है काफ़ी उत्साहित किए। तो किस तरह रहा चुनावी माहौल में दही हंडी, इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एकनाथ शिंदे ने जो आह्वान किया है कि इस बार का जो है विधानसभा का मटकी मैं फोड़ूंगा, तो इस दावे पर कितना जोर है इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सर, विधानसभा का मटकी मैं फोड़ूंगा, शिंदे साहब ने सीधा सीधा आह्वान किया है, तो ये मटकी किस तरह फूटेगी सर? थर के नीचे वो तो ऊपर चढ़ जाएंगे मटकी फोड़ने के लिए, नीचे कितने लोग रहेंगे, कौन कौन रहेंगे, आप किसको देख रहे हैं? आप जरा पहले आपका ये भी लगाइए जी तड़का, फिर मेरा दाल मक्खनी निकालता हूँ। बिल्कुल सर, तड़का मेरा तड़का तो ये है कि शिंदे साहब किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो उन्होंने संदेश दे दिया है। अब किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री भी होना तर छालेच, कैसे गए, कैसे हुए और कैसे एंड हुआ, वो भी सबने देखा कि चुनाव लड़े उन्होंने भाजपा के साथ और सरकार बनाई उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ। लोग हक्का बक्का रह गया कि मैंने, अरे वोट दिया तो किसको दिया? जो कांग्रेस एनसीपी को दिया वो भी, वो तो खुश हो गए कि चलो हार रहे थे वो जीत गए, और जो बीजेपी के लोग थे वो बोले तब तो जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे वहाँ पर तो मैं तो उद्धव जी को वोट दिया, तो हमारा वोट का तो पूरा सत्यानाश हो गया और सरकार बन गई महाविकास आघाड़ी, और किस तरह चली वो भी देखा लोगों ने। बैड लक उद्धव जी का कि जैसे ही वो कुर्सी पकड़े वैसे ही कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो उनको घर ही बैठा दिया, मंत्रालय पहुंचने नहीं दिया। आज भी लोग बोलते हैं कि फेसबुक वाले सीएम हमको नहीं चाहिए, मंत्रालय में एक दिन जाने वाला सीएम हमको नहीं चाहिए। लेकिन बने सीएम, सीएम होनार तो होनार, और अमित शाह जी ने जो है गुप्त मीटिंग में उन्होंने बता कहा था कि हम तुमको सीएम बनाएंगे, वो गुप्त मीटिंग फेल हो गया। आज भी उसका जिक्र होता हो रहा है कि वो गुप्त मीटिंग कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी। शिंदे साहब ने बार बार कह रहे हैं कि गुप्त मीटिंग हुआ ही नहीं था, हम कभी चर्चा हुआ ही नहीं था। खैर वो तो भूतकाल है, लेकिन एक भूतकाल और आ रही है। शिंदे साहब ने कहा कि मटकी मैं फोड़ूंगा, तो मटकी फोड़ने के लिए सर बहुत कुछ तैयारी की होगी उन्होंने। क्या तैयारी की? तैयारी जैसे कि अभी जिस तरह से बीजेपी का लोकसभा में परिणाम आया उसके हिसाब से तो तैयारी उन्होंने कर दी होगी कि भाई इधर से नहीं आया तो उधर से नहीं आया तो उधर से नहीं आया तो हम किसके ऊपर बैठेंगे, हम जो है थर के ऊपर कौन से थर के ऊपर से जाएंगे, और वो गणित लगाना शुरू कर दिए होंगे। अगर शिंदे साहब के पास 40 विधायक हैं, अगर उन्होंने खूब जोर लगा के 30+ अगर निकाल लिए हो, शिंदे साहब 30+ अगर उन्होंने विधायक अपने पास ले लिए तो सर गणित खेलेंगे वो पवार साहब के साथ भी गणित खेल सकते हैं, क्योंकि पवार साहब का उनका करीबी एकदम बातचीत होती है। फोन पर कई बार बोले कि मैं पवार साहब से बातचीत करता हूँ, मार्गदर्शन लेता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, और पवार साहब के साथ भी है और उनका उद्धव को छोड़ के वो कुछ भी गणित खेल सकते हैं। सही, आप क्या मानते हैं? सही है, आप बोल रहे सही है, उनको भी सब ऑप्शन ओपन है। ओपन जैसे उद्धव बोलते थे हमारे दरवाजे सब खुले। मगर क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी कांग्रेस बनेगी जी, नंबर दो पे उद्धव की शिवसेना रहेगी, नंबर तीन पे शिंदे साहब की शिवसेना रहेगी, नंबर चार पे बीजेपी रहेगी, नंबर पाँच पे शरद पवार की कांग्रेस बोला ना मैं, कांग्रेस की बात की ना मैं, हाँ नंबर पाँच पे शरद पवार की कांग्रेस रहेगी और छठे पे अजीत दादा की रहेगी। ऐसा अगर सिस्टम हुआ तो इनमें से कोई भी किसके साथ जा सकता है, और अगर बीजेपी को शिंदे साहब से भी कम सीट मिले और मिल सकते हैं अभी जो हाल उनके हो रहे सब जगह, तो शिंदे साहब भी ऐसा ये कर सकते गेम।
वो भी पवार साहब के साथ भी ये कर सकते हैं, मगर पवार साहब के साथ जाना मतलब उद्धव के साथ जाना है, पवार साहब उद्धव को नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस का भी दबाव उद्धव पे रहेगा, क्योंकि अभी वो नाटक उनका जम गया था लोकसभा में, तो विधानसभा में जानबूझकर वो तोड़ेंगे नहीं ऐसा मुझे लगता है। तो बीजेपी की वजह से सत्ता नहीं आई ऐसा होगा ऐसा मुझे लगता है, मगर बीजेपी ने अपना जितना है उतना भी कायम रखा 100, और इनके भी 40 के 30 के 32 से नहीं होगा सर, 50-50 आने चाहिए, 145 होने चाहिए कम से। सिंधे साहब के कम से कम 50 आने चाहिए, इनको 100 आने चाहिए, और अजीत दादा के क्या 5-10 आएंगे, मिलके 160 तक जाना चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं दही हंडी फोड़ेंगे, वो सही हो सकता। 2019 में हुआ था ऐसा, उद्धव जी का अगर और बीजेपी का अगर वोट मिला दिया जाए तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं थी, दोनों मिलकर आराम सरकार, मतलब लोगों ने ये चुन के दिया था कि महायुति का जो सरकार महागठबंधन को अपक्ष विरोधी पक्ष, बट अभी माहौल पूरा चेंज हो गया है, चीजें बदल चुकी हैं, लोग जो है काफी बदल भी गए हैं बहुत से लोग, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में दिखा दिया जो हिसाब से 2019 में रिजल्ट आई थी। मुझे लगता है कि वो राग जो गुस्सा था जी वो शिंदे फडणवीस और अजीत दादा के ऊपर नहीं था, वो गुस्सा मोदी जी के ऊपर था, तो मोदी जी की बात अभी खत्म हो गई। हाँ बात खत्म हो गई, अभी राज्य के चुनाव, राज्य के चुनाव है तो शायद वो ये नहीं सोचेंगे कि मोदी की क्या पोजीशन है। हाँ मोदी बार बार आते हैं, शाह आते हैं और नुकसान करते हैं तो बात अलग है, मगर नहीं तो वो सोचेंगे ठीक है शिंदे साहब अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक मराठा है और ऐसा लोगों ने खबर सार मराठा। एक अंदर एक खबर ये भी है कि बीजेपी को, बीजेपी के लिए जो है अमित शाह ने पूरा अपना कमान हाथ में ले लिया है महाराष्ट्र की। तो पहले और लोकसभा में ही, लोकसभा तो पूरे देश का था सर, उनको उतना नहीं रहा होगा, लेकिन अभी ये विधानसभा की बात है तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो इकोनॉमी के हिसाब से आर्थिक राजधानी है, और किसी भी हालत में वो कोई भी नहीं चाहता है कि ये अलग हो, यानी जो केंद्र में सरकार रहती है ज़्यादा करके। सर उनको तो केंद्र के सरकार के समय ज़्यादा जोर लगाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में भी वो हार गए दोनों जगह, उनको वही तो माइनस हो गया सर ना, आज जो कमजोर हुई है बीजेपी तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अमित शाह कहाँ हुई थे, अमित शाह वहाँ कहाँ थे, वहाँ कहाँ, वो वहाँ क्यों नहीं किया जबकि उनके जीवन मरण का प्रश्न था। बिल्कुल अभी देखो ना 242 होने के कारण रोज एक कॉम्प्रोमाइज, 3 बिल वापस ले लिया, अभी तक कोई बिल आगे नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल, और हमारे प्रधानमंत्री तो अभी हमारे भारत से इतने उग गए, वो यहाँ से वहाँ फॉरेन में ही घूमते रहते हैं, अभी इंडिया में फॉरेन में तो पहले भी घूमे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब उनको अभी तो क्या होता है, वो हस्बैंड जैसा रहता है, दुनिया भर में उसका सम्मान रहता है और बीवी अपमान करती रहती है घर में, वो तो होता है, तो वो सोचता है सारा घर के बाहर ही रहूँ। ऐसा ही मोदी का हो गया है कि घर में आने के बाद ये सब ये क्रिटिसाइज कर रहा है, ये किस चीज़ कर रहा है, वो किस के, अच्छा है बाहर में उनको कई कई सम्मान मिलते हैं, अध्यक्षों के साथ बैठे बातें करते हैं, भूल जाते हैं कि मैं भारत से आया हूँ, और उनको नोबेल पारितोषिक जीतना है तो उसके लिए काम कर रहे हैं वो। खैर अब सर हम आते हैं इसके ऊपर, दही हंडी के ऊपर शिंदे साहब सर, दही हंडी का आगे बोले ना कि राजनेता बहुत एक्टिव थे, वो हर बार होते ही है, नहीं होते ही है चुनाव के टाइम पर, और ज्यादा देना पड़ता है जी सर हंडी के लिए। मेरे ख्याल से हर एक नेता, बड़े नेता को कम से कम 5-10 करोड़ देना पड़ा होगा, मीडियम वाले को भी 1-2 करोड़ देना पड़ा होगा, छोटे चिल्लू पुल्लू अपने गली वाले रहते सर, हर मंडल को सलामी देखिए, ऑफिशियली देते हैं वो अलग है, मंडल को देना पड़ता है लीडर लोगों को, क्योंकि गोविंदा ही आगे चल के कार्य करता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, गोविंदा ही कार्यकर्ता होते हैं, गणेश मंडल और गोविंदा ये दोनों के कार्यकर्ता ही आगे काम करते हैं। कल आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जहाँ पे वो दही हंडी का लाइव दिखा रहे थे जी, मुंबई में 4 नेताओं का जलवा था, एकनाथ जी शिंदे के बहुत वो टी शर्ट रहते हैं उसमें, एकनाथ जी शिंदे नंबर 1 पे थे। बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे मंडलों को प्रमोट किया कल, तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। राम कदम ने तो 10 लाख का हंडी रखा था जी, जी चलता है, इधर भी रखा था मेरे ख्याल से, तो चलता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, मगर दही हंडी फोड़ेंगे, शर्त है कि नीचे के बीजेपी के गोविंदा अपनी जगह कायम रहे, कायम रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अजीत दादा के 5-6 है, उसमें कोई ज्यादा आने वाले नहीं है, उनके बीजेपी के 100 है वो कितने कम होते हैं उसके ऊपर सरकार आएगी। शिंदे साहब एकदम ऊपर रहेंगे, लेकिन पिलर मजबूत करते हुए अगर ऊपर जाएंगे
तो वो सर बीजेपी को शिंदे साहब कैसे मजबूत करेंगे? नहीं नहीं मतलब वो तो दे हेट बीजेपी पीपल, हेट अजीत दादा नंबर वन, शिंदे नंबर दो। आपने समझा नहीं मेरी बात। शिंदे साहब को जो नीचे का पिलर है वो मजबूत पिलर करना होगा तब जाके ऊपर। कौन सा पिलर? बीजेपी का ही पिलर है जो बीजेपी सर 2024 में कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी वाले कम पड़ रहे हैं। 2024 परिणाम चुनाव परिणाम के बाद हम कुछ नहीं कर सकते सर। इस बार अगर बीजेपी को 272 सीटें मिलती तो मोदी जी के लिए आफत नहीं आती थी? नहीं आती थी, वही कम पड़ गए। अपने को डर अभी बीजेपी के कितने कम हो गए यही है। इसमें पवार साहब के ज्यादा कम नहीं होंगे। पवार साहब का ही मेन जो राजनीति है वही होगी कुछ ना कुछ तो। अभी पवार साहब 80 की उम्र में 84 कुछ कर सक रहे थे, और हमारे पंडवी शिंदे अजीत दादा या उनके चेले वो क्यों नहीं कर पाते सर? इस समय कहा जा रहा था ना कि पवार साहब को क्रॉस कर रहे हैं पंडवी साहब, एकदम मजबूत हो रहे हैं। और उन्होंने मजबूत होकर दिखाया भी था बट, लेकिन धीरे धीरे जो उनका जो छवि था उसको जिस तरह से कम किया ऊपर केंद्र से की तरफ से सर, उनका छवि उद्धव ठाकरे शरद पवार ने नहीं फंडवी साहब कम किया, अमित शाह ने किया ना, अमित शाह ने किया, परी काट दिया ना सर। आज वो सीएम लेवल पे होते, सीएम की कुर्सी पे होते तो क्या आज वो काम तरह होता क्या? नहीं होता, आज कुछ अलग ही होते ना वो सर। वो पीएम के रेस में आ गए थे, आपको तो पता है एक बार सीएम बनने के बाद उसको सीधा पीएम के रेस में अगर कोई कहता है तो वो काबिलियत है उनकी, नो डाउट। यस आज देखा जाए महाराष्ट्र की बार सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के जो अधपात अधपतन हुआ है उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, फडणवीस नहीं है। लोकसभा का भी जिम्मेदारी उनको लेनी है। पर फडणवीस को आपने ही बाजू में डाल दिया, एक तरफ बोलते हो चुनाव तुम ही ये करो। आज बीजेपी जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो पुराने कार्यकर्ता है, उनसे अगर पूछो तो अमित शाह को ही अनाप शनाप बोलते नहीं, वो बोलते बीजेपी को एक बार हारना ही चाहिए। अभी समय आ गया है कि अभी एक बार कम से कम हारना ही जरूरी है, तभी ये शुद्धि में आएंगे। ठीक है, मगर हम चाहते हैं कि दहीहंडी शिंदे साहब को, हम उनके दोस्त हैं। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शिंदे साहब ने जो कहा है कि दहीहंडी हम फोड़ेंगे विधानसभा की, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और विधानसभा जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।